बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि हारे हुए उम्मीदवार को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हारे उम्मीदवारों को मंत्री ना बनाया जाए, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो इसका मतलब बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे उनके दोबारा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है, और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे क्योंकि इस बार वो खटीमा सीट से चुनाव हार गए तो उनका भी दोबारा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है। कल योगी सुबह दिल्ली दौरे पर आएंगे और कैबिनेट को लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हारे हुओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बहुतों के लिए उम्मीद यहां से बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी में? जी हाँ बिल्कुल, देखिए और पार्टी के भीतर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है कि हारे हुए उम्मीदवार को मंत्री नहीं बनाया जा सके। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात हुई, नीति निर्धारक जो बोर्ड है उसके वो सदस्य हैं, और उनसे हमने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि क्या मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे उम्मीदवार को बनाया जा सकता है जो चुनाव हार गया हो, या उस पर कोई पुनर्विचार है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी नीति अभी पार्टी के भीतर नहीं है कि हारे हुए उम्मीदवार को नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अरुण जेटली 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए थे अमृतसर से, उसके बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। तो ऐसी कोई नीति नहीं है। हालांकि पार्टी आमतौर पर नैतिकता से बनती होती है और इसलिए नैतिकता के दायरे में रहकर ये कई बार फैसले लिए जाते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जिस तरीके से आपने उदाहरण का यहाँ पर जिक्र किया तो देखिए ना, उदाहरण तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। आपने अरुण जेटली के बारे में यहाँ पर उदाहरण पेश किया, वहीं पार्टी के भीतर से ही उदाहरण जो है वो बीसी खंडूड़ी के नाम का दिया जा रहा है, उदाहरण जो है वो प्रेम कुमार धूमल के नाम का भी दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि हारे हुओं को भी मंत्री पद से बीजेपी में नवाजा जा सकता है। सीधे रुक करते हैं, पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं क्या केशव प्रसाद मौर्य, क्या खबर है? देखिए विकास जो ये बात कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से बहु बात सही है, और ऐसे भी मौके आए हैं जब हारे हुए को नहीं भी बनाया गया, और यूपी में ये सवाल और इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ, वो चुनाव हार चुके हैं, अब उन्हें क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, और बार बार ये बात कही जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी इस मंत्रिमंडल के चेहरों को जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनको देखा जाना होगा। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य हार कर भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी। पिछली बार दो थे, इस बार जैसे चर्चा है कि एक दलित समुदाय से होगा, एक अति पिछड़े समुदाय से होगा, ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कोटे से भी हो सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता अगर साफ होता है तो संख्या भी डिप्टी सीएम की बढ़ सकती है, ऐसी चर्चा है। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, कुल मिलाकर समझना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या 2024 को साधने के लिए ये खबर जो सामने आ रही है कि हारे हुओं को भी मंत्री पद से बीजेपी की तरफ से नवाजा जा सकता है, जिसमें सबसे उभर कर जो नाम सामने आ रहा है वो जाहिर सी बात है केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए, पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई, और ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या ये सवालिया निशान लगा हुआ था। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है उसका मतलब तो ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम फिर से बनाए जा सकते हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो सकता है। ये साफ तौर पर बड़े मायने जो इस खबर से सामने निकल कर आए कि साहब जो हार गए हैं चुनाव उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है बीजेपी में। तो बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के दोबारा मंत्री बनने का एक तरीके से क्या रास्ता साफ कर दिया है, इस पर अभी मोहर लगना बाकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।